हेलो डियर, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है सोमवार और बज रहे हैं अभी दोपहर के 12। वो मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी गए हुए हैं और वो आएंगे लगभग 1 से 2 के बीच, फाइनली आ जाएंगे। फिर दोबारा उनको नहीं जाना है, इसलिए मैं आज लेट से खाना बनाऊंगी। आलू मैंने बॉयल कर दिया है, तो मुझे लगा आज ये वॉल स्टिकर चिपकाने का एक अच्छा समय है, क्योंकि मैंने जो ये मंगाया था, कितने में मंगाया था, कैसे मंगाया था, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो इसको आज मैं चिपकाऊंगी। बाबू अभी सोया नहीं है, तो बाबू को साथ लेकर ये काम करना होगा। तो एक टॉवेल से सबसे पहले मैंने इस वाल को पूरे अच्छे तरीके से मैंने पोछा है, बिल्कुल 5 से 7 मिनट तक। इसमें वीडियो में मैंने थोड़ा आपको कम दिखाया है, और ये इतना खूबसूरत लग रहा था ये वाल स्टिकर लगाने के बाद। आप भी अगर लगा आप भी लगाना चाहते हैं ज़रूर लगाइएगा, लेकिन लगाने में बहुत ज़्यादा मेहनत था। तो आपके इस वॉल स्टिकर में जो हाइट दिया हुआ है 155 cm और 125 cm, तो मैंने इस फीते से इसको नाप कर और मार्कर से मैंने पॉइंट कर दिया था ताकि मुझे लगाने में आसानी हो, लेकिन लगाने में आसानी नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो फूल था, फ्लावर, दोनों ही फ्लावर वन साइडेड था, यानी एक ही तरफ से लगाने वाला था। तो दोनों तरफ अलग अलग तरीके से हमने लगाया था, तो परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपने वाल को अच्छे तरीके से साफ कर लिया, और इसमें स्टिकर में लिखा हुआ रहता है 1, 2, 3, 4 कि कैसे आपको कहाँ चिपकाना है। तो बाबू को इंगेज रखने के लिए मैं बार बार बोल रही थी, बेटा ढूंढिए 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, तो वो ढूंढ रहा था बार बार। और ऊपर आप देख रहे होंगे छोटा सा जो मैंने चिपका कर रखा है, वो इस तरह से ये जो एक सिंबल टाइप का आया था इसके साथ, तो मैंने उसको ऊपर में चिपका दिया था, और उसी को देखते हुए मैं इसमें चिपका रही थी। तो ये काफ़ी समय इसमें लगा था, लगभग 1.5 से 2 घंटा लग गया था इसको चिपकाने में। बार बार कहीं कहीं बीच बीच से उखाड़ना भी पड़ता था, कहाँ सही लगा है, कहाँ गलत लगा है, इस तरह कर करके इसमें काफ़ी समय लग गया था। तो इसको आप देखिए मैंने किस तरह से चिपकाया है। और खाना का आज मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि अभी सिर्फ सुबह का तो नाश्ता वगैरह सवेरे हो ही जाता है। तो आज मैंने आलू बॉयल करके रख दिया है। अब ये चिपकाते चिपकाते ही बीच में मैं जाऊंगी, एक बार दाल चढ़ा दूंगी, और उसके बाद फिर इस काम में लग जाऊंगी। और फिर जब तक वो आएंगे तब तक हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। और वो जब आए थे तो उनका जो था उनको अच्छा लगा ये देखकर, वो बहुत खुश हुए कि अचानक से मैंने ये पूरा वॉल स्टिकर चिपका दिया था। सोफ़ा का कवर वगैरह भी मुझे आज चेंज करना है, क्योंकि आज मैंने खाना का कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो आज मैं दिखाऊंगी मैं एक्स्ट्रा क्या क्या काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये आपका वॉल स्टिकर हो गया, और उसके बाद आज मुझे सोफ़ा का कवर और कर्टन वगैरह भी धुलना है, पर्दा धुलना है। तो सोफ़ा का कवर मैं 10 से 12 दिन में ही धुलती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, कम से कम 8 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन बस। और इस बीच में हमें सोफ़ा का कवर धुलना होता है, और ये पर्दा वगैरह जो है 15 दिन 8 दिन में तो नहीं कर पाती हूँ, लगभग 1 महीने में ही मैं पर्दा धुलती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, मैं हमेशा झाड़ते वाड़ते रहती हूँ। तो अभी तो चूँकि मैंने इस वीडियो को फास्ट किया है, तो आप देख रहे हैं कितना तेज़ी से ये लग रहा है, लेकिन काफ़ी समय लगा था धीरे धीरे इसको चिपकाने में। और बाबू इधर पूरा मस्ती कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं हट रहा था हमको छोड़ के, कभी इधर कभी उधर, और ये भी लग रहा था कहीं गिर ना जाए, लेकिन खुश भी था क्योंकि मैं बार बार उसको बता रही थी, बताओ बेटा 12 कहाँ है, 13 कहाँ है, बताइए, तो सब बता बता के मुझे ये बता रहा था कि यहाँ है वहाँ है। तो बच्चे को संभाल कर उसके बाद फिर इस तरह के काम को करना काफ़ी मुश्किल है, आप लोग भी समझते ही होंगे जिनके पास छोटा बच्चा होगा। तो अभी तो एक तरफ भी कम्प्लीट नहीं हुआ है, हम एक तरफ कंप्लीट करके उसके बाद फिर मिलते हैं हम आपसे पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ आप देखेंगे इस तरह मैंने पूरा कंप्लीट लगा लिया है। फूल दोनों का एक ही जैसा था, लेकिन वही था कि अलग अलग डायरेक्शन में लगाना था, इसीलिए फर्क दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अब ये सोफ़ा का कवर मैं चेंज कर लेती हूँ, सोफ़ा का कवर भी आज चेंज करना है। और किस तरह से ये स्टिकर आया था ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, और मैं चूँकि पहली बार इसको चिपका रही हूँ, मुझे नहीं पता था कितना खूबसूरत लगता है, और समय इसमें लगा चिपकाने में, लेकिन चिपकाना उतना मुश्किल नहीं था, आसान ही था। ये चूँकि दूसरे टाइप का फ्लावर था इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल लगा, लेकिन अगर ये फ्लावर और भी ईजी रहता, लैम्प वगैरह रहता, तो वो उतना मुश्किल नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी सोफ़ा का कवर चेंज कर लूँगी, अभी तक वो नहीं आए हैं। और उधर मैंने दाल भी चढ़ा दिया है, आलू बॉयल हो गया है,
आलू के साथ कुछ डालकर, आप जानते ही हैं मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो जब तक आलू बॉयल करके नहीं डालती हूँ तो मुझे वो सब्ज़ी पसंद नहीं होता है। और काफ़ी अच्छा बनता है जब आप आलू बॉयल करके सब्ज़ी बनाएंगे तो। तो आलू बॉयल मेरा हो गया है, दाल मैंने चढ़ा दिया है, अब मैं जल्दी जल्दी सोफ़ा का कवर चेंज कर लूँगी और नीचे जो भी गंदा वगैरह हुआ है उसको भी मैं झाड़ू देकर साफ़ कर लूँगी। आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर बताइएगा आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और एक बार प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिएगा, आपको आपके मन चाहे सारे वीडियो मिल जाएंगे। मैं हर तरह का वीडियो अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ, चाहे वो सिलाई से जुड़ा हो, मेकअप से जुड़ा हो, कोई चीज़ खरीद रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, काम करने की ट्रिक, कितने जल्दी हम किचन के काम को निपटा कर खाली हो सकते हैं। और इस तरह मैंने पूरा चेंज कर दिया, सोफ़ा का कवर पिलो रख दिया है और साइड में आप देख रहे होंगे एक कॉर्नर में मैंने टेबल रखा है, उस पर मैं अपना माइक है या फिर ट्राइपॉड है, कुछ कुछ चीज़ें रखते रहती हूँ। तो इस तरह मैंने पूरा ये चेंज कर दिया और इस तरह आप देखेंगे मेरे इस रूम का लुक। इधर से भी धूप आ रही है क्योंकि मैंने अभी सारा पर्दा खोल दिया है क्योंकि मुझे साफ़ करना है, एक दो खिड़की का खोला है, बाकी अभी कुछ पर्दे बचे हुए हैं। तो चलिए अब पर्दा वगैरह खोल लेते हैं एक एक करके और लगे हाथ साफ भी कर लेंगे। तो अब खाना पीना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो ये देख रहे हैं अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारा जो 4 से 4 बजे स्टार्ट होता है पवित्र रिश्ता वो मैंने देख लिया है। 5 से 6 पहले तो पवित्र रिश्ता 4 से 6 देता था, अभी तो अब 4 से 5 कर दिया और 5 से 6 छोटी बहू, तो अब छोटी बहू भी चल रहा है और मैं मशीन में पर्दे को धुलते जाऊंगी और देखते जा रही हूँ सीरियल को। तो सबसे पहले मैंने ये सोफे का कवर डाला है, इसको तो मैं मशीन में घुमा दूंगी, बेडरूम का भी मैं पर्दे निकाल कर ले आई हूँ और पर्दा जो है उसको मैं बिल्कुल भी मशीन में घुमाऊँगी नहीं, मशीन में मैं सर्फ पानी डालकर हाथ से ही साफ़ करूँगा क्योंकि पर्दे में जो कंगन लगा रहता है जिसको कि हम जो जिसमें हम उसको हैंग करते हैं वो टूटने का डर रहता है और पर्दे के ऊपर में बकरम दे के बना हुआ रहता है तो बकरम भी ख़राब होने का डर रहता है अगर हम मशीन में उसको घुमा देते हैं। तो इसीलिए मैं हाथ से ही सारे पर्दे को साफ़ करूँगी और चूंकि मैंने अभी 22-23 दिन पहले किया है साफ तो ज़्यादा ये गंदा है नहीं। तो मैं सीरियल भी देख रही हूँ और सारे रूम का मैंने पर्दा भी खोल दिया और अब जो गंदगी है उसको मैं साफ़ कर लूँगी। और खिड़की वगैरह से चूँकि ये पूरा जो घर है इतना खुला है, बिल्कुल हवादार है, तो रोशनी से पूरा इस तरह से आपको धूमिल दिखता है, कैमरे पर जब रोशनी पड़ती है तो इसी तरह से दिखता है, तो बिल्कुल ये धूमिल दिखता है। और इस तरह मैंने अपने सारे पर्दे को भी धुल दिया और सोफ़ा के कवर को भी धुल दिया है। खाना खाने के बाद मैंने किचन का सारा काम भी निपटा लिया है और आज सोमवार है फिर भी मैंने व्रत नहीं किया क्योंकि हमारे गाँव में इतना लंबा चौड़ा है ना कोई एस्पायर करते रहते हैं तो उसमें पूजा पाठ हम लोगों में नहीं किया जाता है। और अब ये लगभग 6 बज रहे हैं शाम के 6 और ये जो ऑफ़िस से आए थे तो इन्होंने अपना कपड़ा डाला हुआ था तो वो भी उनका सूख गया है और मौसम आप देख रहे हैं कितना अच्छा किया हुआ है, हवा चल रही है, बारिश बारिश सा लग रहा है, लेकिन चूंकि मैंने पर्दे को ड्रायर में सुखा दिया है इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय इसमें लगेगा। तो इसको मैं यहाँ पर बालकनी में सारे पर्दे को डाल दूँगी। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस पर्दे को डालने के बाद मैं किचन चली जाऊंगी रात का खाना बनाने के लिए। तो आज मैंने अपने वीडियो में इसी को शेयर किया है, अपना जो महत्वपूर्ण ये काम है ये करना भी ज़रूरी होता है, जिस जगह जिस चीज़ को आप 2-3 दिन छोड़ देंगे, जिस जगह को छोड़ देंगे वहीं पर गंदगी जमा हो जाएगी, वहीं पर आपको लगेगा कि अब मतलब काम एक ऐसा चीज़ होता है कि आपको उससे छुटकारा नहीं मिलना है, जहाँ पर आप ज़रा सा स्लो होंगे वहीं पर आपका काम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे पर्दे को लगा दिया है और ये बहुत जल्दी सूख भी गए थे लेकिन ये धूप इसमें नहीं लगा था तो इसको मैं चूँकि वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अगले दिन भी इसको धूप लगाना पड़ा था, अभी तो बिल्कुल शाम हो रहा है इस तरह के आप देख रहे हैं। तो आशा करते हैं आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अपने एक अच्छे से ब्लॉग में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।